जन्म मरण वास्तविक नहीं है। नारायण 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 नारायण। और आगे आ जाओ, ठंडा लगेगा। अट्ठाईस दिसंबर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अमृत पेज नंबर 332-333। इससे संबंधित आज वाला जो पृष्ठ है इसी से कनेक्टेड एक पृष्ठ और भी है इसी बुक में, 25 अप्रैल उसका शीर्षक है मरने का डर किसको। आज का शीर्षक है जन्म मरण वास्तविक नहीं है, और वहाँ का 25 अप्रैल का शीर्षक है कि मरने का डर किसको। तो उस पृष्ठ में महर्षि ने बताया है कि ये मृत्यु का जो भय है वो सिर्फ मन की कमजोरी है। उस पृष्ठ में ये बात विशेष रूप से महर्षि ने समझाई है, मृत्यु का भय जो है वो मन की कमजोरी है। मन की कमजोरी क्यों है? क्योंकि अगर ये मृत्यु का भय मतलब कोई ठोस वस्तु होती तो सबको होना चाहिए मृत्यु का भय, पर वहाँ महर्षि ने बताया है कवि धर्मात्मा भक्त ज्ञानी, कभी कभी कहता है कि मीठा सपना है मृत्यु, मीठा सपना है मृत्यु, एक मीठा सपना है। धर्मात्मा कहता है कि क्या है, मर गए तो स्वर्ग में जाएंगे, धर्म किया ना, स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अच्छा घूमने के लिए पार्क है, नंदनवन, अप्सराएं मिलेंगी आदि आदि, उनका जो स्वर्ग की कंसेप्ट है उसको भी भय नहीं है। भक्त भक्त कहता है कि हमारे ठाकुर जी जो हैं गोलोक में वैकुंठ में, जहाँ हमको जाना है, तो अभी तो हम बिछड़े हुए हैं, तो मरेंगे तो गले से लग जाएंगे उनके, लिपट जाएंगे उनके, चिपक जाएंगे, है ना। और ज्ञानी कहता है कि आना जाना कहाँ है, है ना, मृत्यु है ही कहाँ। तो उस प्रश्न में महर्षि ने समझाया है कि ये जो भय है फिर किसको है। मरने का डर कवि को भी नहीं है, धर्मात्मा को भी नहीं है, भक्त को भी नहीं है, ज्ञानी को भी नहीं है, तो किसको है। तो बोले देखो भाई, आप लोग जो है आप अपने को नहीं गिनो उसमें, तो हम बता दें किसको है, मतलब जो सुन रहे हैं ना, तो उनको कह रहे भाई आप अपने को गिनना भी नहीं, क्योंकि आप लोग सत्संगी हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, है ना, सत्संग करते हैं। बोले मरने का डर सिर्फ पापी व्यक्ति को है, जो पाप करता है उसको मरने का भय लगता है, क्योंकि नरक में जाएंगे क्योंकि बहुत पाप किए। सच्ची बात है, बहुत गलत कर्म किए हैं ना, तो जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती है, अब देखिए डॉक्टर साहब को क्या भय लगना है। मिली क्या तुम, तुम मिली थी, हरिवंश दास भी गया था, हाँ, तो कहाँ है मरने का भय कोई, जबकि पता है हम लोगों को तो पता नहीं है, उनको पता है कि भाई सब सब खत्म हो गया है, किसी भी क्षण है ना, वो व्यक्ति एकदम, तो पापी व्यक्ति को भय लगता है। बात बिल्कुल सही है महाराष्ट्र की, है ना। अगर वही व्यक्ति आप कल्पना करो, तो डॉक्टर साहब इसलिए हम इनको कल्पना इस प्रकार की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, पर वही व्यक्ति जो सब जिंदगी भर हम लोगों को सबको पता है या समाज को पता है कि दुनिया भर के गलत कर्म कर रखे हैं, वही व्यक्ति इस समय चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि मैंने इतना जो किया है, ये सब इतना सब किया, वो कहाँ जाएगा, कौन लेगा, क्या करेगा, गलत काम करके सब बटोरा है ना, तो ये पापी को भय लगेगा। और दूसरा एक और देह बुद्धि, जो देह बुद्धि का दास है, यानी ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, अब ये शरीर मैं हूँ इसको तो फिर कैसे, वो तो पाप भी नहीं है और वो एक नेचुरल है, शरीर मैं हूँ वो तो मानना नेचुरल है सबका, धर्मात्मा को और इनका जिनका गिना दिया, भक्त को और ज्ञानी को, समझो कि उस कैटेगरी में हम नहीं हैं, तो 99% लोग तो इसी कैटेगरी में आएंगे कि हम देह हैं, भले पापी ना भी हो, पापी भी कुछ लोग निकल जाएंगे पर बाकी देह वाले। इसलिए बताया कि महर्षि ने कि आप लोग अपनी गिनती ना करें, है ना, तो अपनी गिनती तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम भी अपने को देह ही मान रहे हैं। अच्छा। इसलिए तो उसको संभाला ना महर्षि ने, दो चीज बताई, पापी और जो देह देहात्म बुद्धि का पक्का दास है, यानी ये मैं ही ये हूँ, ये चला गया तो फिर मेरा क्या होगा, है ना, मैं नहीं रहूँगा,
तो मैं नहीं रहूंगा धर्मात्मा के हृदय में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं को कहीं और रखा है ना। वो भी कह रहा कि मैं ठाकुर जी के गले लिपट जाऊंगा, यानी उसने भी मैं शरीर में नहीं रखा है। पर जिसने इस भक्ति भी नहीं की, धर्मात्मा भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, कवि भी नहीं है, तो वो तो बेचारा। तब फिर महर्षि ने उसका, अब ये सत्संग का फल है कि अब उसके लिए क्या करना है कि तुम सुनो, श्रवण करो। तो श्रवण करने से क्या मिलेगा, आज देखो क्या है। जन्म मरण वास्तविक नहीं है। आप जानते होंगे कि हमारे शास्त्रों में जन्म मरण को सच्चा नहीं माना जाता, यानी वहाँ तो इतना ही कह दिया कि श्रवण मनन निध्यासन करोगे तो असली वस्तु पता लगेगी। आज के विश्व में बता रहे हैं कि क्या पता लगेगा। एक तो ये बात पता लगी कि जन्म मरण को सच्चा नहीं माना जाता। तो सच्चा नहीं माना जाता तो अंत में बताएंगे फिर क्या है ये लीला, वो बताएंगे अंत में। जो लोग जन्म मरण को सत्य मानते हैं उनके लिए मृत्यु एक बहुत बड़ी भयानक घटना होती है। सच्ची बात है, क्योंकि जन्म मरण को सत्य मानना ही फिर ये मृत्यु बहुत बड़ी भयानक घटना हो गई। परंतु हमारे यहाँ न मिट्टी मरती है। अब सबसे पहली शिक्षा दे रहे हैं महर्षि कि हमारा जो है शरीर वो पांच तत्वों से बना है। पांच तत्व क्या है? पृथ्वी, पानी, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश। सबके शरीर पांच तत्वों से बने हैं। तो हमारे यहाँ न मिट्टी मरती है, न पानी मरता है, न तेजस तत्व मरता है, न वायु तत्व मरता है और न आकाश तत्व मरता है। तो फिर मरता कौन है? बोले इन पंचभूतों में भगवान ने जो ये शक्ल बना दी, जैसे माटी है तो माटी में घड़ा बन गया, तो घड़ा बनने से माटी थोड़ी, घड़ा फूट गया तो माटी थोड़ी फूट गई, है ना। ये बात समझने की है पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये जो आनंद है ना, तो इसको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें पेशाब बंद हो गया, डीमाइलिनेशन करके, तो वहाँ का जो कंट्रोल होता है, तो उससे फिर बाद में डॉक्टर को पता लगा, आजकल तो पता लग जाता है, डायग्नोसिस हो गई। पर अब देखिए एकदम कम उम्र बच्चा, मतलब मुश्किल से 18-20 साल का, तो सब माता पिता और दादा दादी बहुत चिंतित हो गए। तो ये बच्चा जब हॉस्पिटल में था तो इसके हृदय में एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया कि अब यानी मैं जीऊँगा नहीं। अब भय होता है ना मृत्यु का, महर्षि कह रहे हैं ना कि मृत्यु बहुत बड़ी भयानक घटना है, है ना, जो मृत्यु को सत्य मान रहा है। तो जन्म मरण को जो सत्य मानते हैं उनके लिए मृत्यु एक बहुत बड़ी भयानक घटना होती है। तो उसी समय वहाँ हॉस्पिटल में ही उसने प्रश्न किया सपना को। तो सपना का फिर वो फोन ऑन आया, उसी से हमको पता लगा। तो बोले कि उसका ये प्रश्न है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो जब यहाँ आएगा तब हम उसकी, क्योंकि ऐसे इसमें लिखने से काम नहीं बनेगा, वो सामने रहेगा। तो हमने उसको यही बात समझाई कि जैसे जल है तो जल में लहरें उठती हैं, तो लहरें उठती हैं तो लहर को डर लगे कि मैं मर जाऊंगी, तो ये तो कोई डर नहीं हुआ ना, वो तो हाँ वो तो जल ही है। पर वो जब अपने को लहर मान लिया उतनी देर तक डरेगी, है ना। हमने अपने को तत्व नहीं जाना, यानी जो ये भी पांचों तत्व गिना दिए महर्षि ने, वो पांचों में कोई नहीं मरता। मिट्टी में मिल जाएगी, है ना, पानी पानी में, तेजस तेजस, वायु वायु, आकाश आकाश, तो फिर मरता कौन है? इनमें जो शक्लें होती है, है ना, तो शक्लें होती है वो तो हम देखते हैं, है ना, किसी का भी जो भी जिनका भी शरीर पूरा होता है, शक्ल फिर वो नहीं रहती, वे अवश्य मिट जाती हैं, शक्लें अवश्य मिट जाती हैं। इसी तरह जीव तत्व भी नहीं मरता। अब देखिए वो धर्मात्मा और वो लोग क्यों नहीं डर रहे हैं, स्वर्ग वाले और ये अपने भक्त और ज्ञानी, क्योंकि जीव तत्व नहीं मरता। उनको पता है कि ये शरीर मर जाएगा पर मैं जिंदा रहूँगा, मैं का मतलब वो आत्मा, आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की मृत्यु का तो प्रश्न ही कहाँ है। तो अभी हम लोग डॉक्टर साहब के बारे में बात करें तो डॉक्टर साहब जो हैं, जैसे भी उनका वो है ना, जो भी उनका उस समय संकल्प रहा होगा मृत्यु के समय, संकल्प का मतलब यथा मृत्यु, उस समय जो हमारी मति होती है वैसी गति होती है। वो मृग के राजा भरत थे, उसका हरिण का सोचते सोचते मर गए, हरिण शरीर मिल गया। तो डॉक्टर साहब का तो जीवन ऐसा रहा ना, तो मुझे याद आती है वो उन्होंने जो लिख रखा था अपने चैम्बर में, अपने कि भाई इलाज तो मैं करता हूँ ऐसा कुछ उन्होंने लिख रखा था। तो उनका जो है
जीवन उससे पता लगता है। और कोटा में जो आपने बताया अंत में कितने लोग आए थे, तो उससे ऐसे महापुरुषों का ऐसे मतलब जो है पुण्यात्मा कहीं किसी का कुछ बुरा किया नहीं, है ना, जिंदगी भर और हमेशा उनका यहाँ भी आते थे तो होम्योपैथी का हमारे आश्रम में बोलते थे कि कपिल का उधर एडमिशन होना था। हाँ, दिन भर रात भर लगे रहे, इधर स्कूल का भी उधर वो उसके टेस्ट का भी, हमें देखा चिंता मत कर कोई दिक्कत आएगी सब संभाल के, बड़ा जानदार आए। तो एक मतलब कहने का मतलब यह है कि आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं है। तो आत्मा तो जैसे जिसका जो है ना, ये ज्ञानी लोग हैं उनको आना जाना कहाँ है, मतलब इनका तो पूरी यात्रा ही खत्म है। बाकी भक्त लोग हैं वो कहते हैं गोलोक पहुँच जाएंगे, है ना, धर्मात्मा है स्वर्ग पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से महर्षि समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो देह बुद्धि का दास हमको नहीं बनना चाहिए, ये कम से कम सत्संग से पता लग जाएगा कि भाई मरने का डर है क्यों। जीव तत्व मरता नहीं और ये सब पंचभूत पंचभूत में मिल जाते हैं, आत्मा नहीं मरता, ब्रह्म नहीं मरता, तो जन्म मरण वास्तविक नहीं है। आज के पृष्ठ में महर्षि समझाना ये चाह रहे हैं कि जन्म मरण वास्तविक नहीं है, मतलब शक्ल ही मिटी ना, वस्तु तो वो की वही रही। सच्चिदानंद जो परमात्मा है उस परमात्मा में ही भगवान कहते हैं ना कि मैं अंशी हूँ और तुम अंश हो, यानी मेरे में से ही तुम प्रकट हुए। तो जैसे लहर में जल में से ही लहर प्रकट हुई, वापस उसी में चली जाती है, है ना। तो इसी प्रकार जन्म मरण वास्तविक नहीं है, शक्ल मिटी उसी से हम उसको मरण मान लेते हैं, वो गलत है, वास्तविक नहीं है। और इसीलिए हमारे वीर पुरुष जन्म मरण से नहीं डरते, डरते वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आगे जन्म होगा ही नहीं। वही लोग कहते हैं कि हाय हाय फिर हमको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसी तरह जो पूर्व जन्म नहीं मानते वे लोग मृत्यु से डरते हैं, किंतु हमारे डरने का कोई कारण नहीं है। तत्व तो लोक व्यवहार की दृष्टि से भी अजर अमर होते हैं, लोक व्यवहार की दृष्टि से भी ऊपर गिनाए पांचों तत्व वो अजर अमर है, फिर आत्मा के अजर अमर होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। तो फिर प्रश्न उठा कि ये फिर मृत्यु क्यों, मृत्यु किसको दिया, मृत्यु नाम किसको दिया, तो मृत्यु नाम किसको दिया उसको समझा रहे हैं। मृत्यु भावना बदलने का ही एक नाम है। एक स्थान पर यह कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी के मन में भावना आई तब शरीर बन गया, यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की वहाँ से महर्षि ने शुरू किया कि उनके मन में एक संकल्प आया, शरीर बन गया, उस शरीर से उनको संतोष नहीं हुआ, दूसरी भावना के अनुसार फिर दूसरी भावना की, फिर दूसरा शरीर बन गया, तीसरी भावना उन्होंने ग्रहण की, तीसरा शरीर बन गया। तो इस तरह ब्रह्मा जी की नई नई भावनाएँ, इस तरह ब्रह्मा जी नई नई भावनाएँ करते गए और उनके अनुसार नए नए शरीर बनते गए। इसीलिए कहा गया कि यह सारी की सारी सृष्टि भावनामयी है। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि कि सृष्टि के मूल में हम जाएंगे तो ठाकुर जी जो जो मतलब संकल्प कर रहे हैं वैसे वैसे हो रहा है, वैसे वैसे बन रहा है। तो वो जो है ठाकुर जी की एक संकल्प कहिए, भावना कहिए, उसी को आगे समझा रहे हैं। ये बात विद्वानों के ध्यान में आने लायक है कि हम देह से देहांतर की प्राप्ति को जन्म नहीं मानते, हाँ भाव से भावांतर की प्राप्ति को ही जन्म मानते हैं। ये क्या है, मृत्यु का डर क्यों लगेगा कि भाई ये मेरी देह चली जाएगी और दूसरी देह मुझे मिलेगी, दूसरी देह मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका भी पक्का पता नहीं है, तो इसलिए वो डरता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि हम देह से देहांतर की प्राप्ति को जन्म अथवा मृत्यु मानते ही नहीं है कि ये देह चली गई और दूसरी देह की समझो कि किसी को है नहीं, पूर्व जन्म या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। तो महर्षि तो कह रहे कि हम उसको जन्म मरण मानते ही नहीं है। तो बोले फिर आप क्या मानते हैं, देखो भाव से भावांतर की प्राप्ति को ही जन्म मानते हैं। अभी ये जो ऊपर समझाया ना ये है, यानी कि भगवान जो संकल्प कर रहे हैं वैसे वैसे होता जा रहा है, तो वो जो है भाव जो भगवान का बन रहा है उस भाव में हमको जाने में क्या दिक्कत है। भाई भगवान ने ये भाव जो भाव किया तब ये शरीर मिला, भगवान ने भाव किया तो मनोहरी आई, भगवान ने भाव किया तो नमन आया। पर यहाँ किसी को ध्यान नहीं जाता है, लोगों का ध्यान जाता है कि माँ बाप के द्वारा ये बच्चा पैदा हुआ, माया है ना, तो माया में ऐसा भगवान ने बना रखा है कि उधर बुद्धि नहीं जाएगी भगवान की ओर। तो इसलिए महर्षि को समझाना पड़ा ये ब्रह्मा जी वाला दृष्टांत देके, भावना से भाव से भावांतर की प्राप्ति को ही जन्म मानते हैं। तो देह का फिर दास जो बनेगा उसको तो 100% उसको मृत्यु का भय लगेगा।
पर ये बात जब आ गई ध्यान में कि ये तो पूरी लीला ठाकुर जी की है ना, तो डीडीयू काल में देखो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए बल्कि, और अभी तक नहीं वो बेचारा, तो खैर वो जो सुनेंगे वो नहीं समझ पाएंगे डीडीयू काल में एक महाराज स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। तो जब देह में मैं हो गया तब उसका जन्म हो गया। अब देखना, यानी देह तो ठाकुर जी ने दी पर इसको मैंने मैं मान लिया, तो ये जन्म हो गया, और उस मैं को देह में जब ग्रहण करने की शक्ति नहीं रही तो मरण हो गया। तो देह से देहांतर की प्राप्ति को जो हम लोग माने हुए हैं मृत्यु और जन्म, वो मतलब शास्त्र नहीं मानता। शास्त्र तो भाव से भावांतर की, तो इसका मतलब ये भाव ही है, मैं इसमें मैं बना होना ये हमारा भाव है, तो ये भाव से भावांतर की प्राप्ति, फिर वो ये मैं यहाँ से निकल गया दूसरे में मैं हो जाएगा, है ना, दूसरा शरीर मिलेगा उसमें मैं हो जाएगा। तो देह का ये मरना, उसको हम जब मृत्यु मानेंगे तब हमको जरूर कष्ट होगा। अच्छा। क्योंकि देह के हम दास हैं ना, इसी को माने हुए हैं, तो इसलिए ये भाव में आ जाना चाहिए। ये बात जो महाराज जी समझा रहे हैं कि भाव से भावांतर की प्राप्ति को ही जन्म मानते हैं, तो इसका मतलब भाव से भावांतर की प्राप्ति ही जन्म मरण है। अब धर्मों के बारे में, तो धर्म महावीर धर्म ये देश प्रधान है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म काल प्रधान है, अच्छा कुछ धर्म भौतिकता प्रधान है जैसे चार्वाक वगैरह, तो ये धर्मों का यहाँ महर्षि प्रवचन कर रहे हैं ना, तो बहुत विद्वान लोग भी बैठते हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में न देश प्रधान, न काल प्रधान, न भौतिकता प्रधान, वो है शुद्ध ब्रह्म चैतन्य प्रधान। तो हमारा धर्म जब शुद्ध ब्रह्म चैतन्य प्रधान है, उसको या कह लो ठाकुर जी, कृष्ण, राम, शिव, देवी, तो ये हमारा धर्म है। तो उसमें क्या है कि उसमें जन्म मृत्यु का कोई स्थान ही नहीं है, यानी उसमें तो ठाकुर जी की लीला है, तो लीला में उनकी जो मौज है ना, तो मौज जैसी मौज है उनकी करो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वाह वाह साईं साईं, वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। तो इस प्रकार से 9 बजने वाले हैं, नमन की चॉकलेट इसको बंद करो, लो स्टॉप।